नमस्कार, शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2018 में कंडक्ट यहाँ पे करवाया गया था। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी का सेक्शन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नीट के पहले भी हमने सॉल्व करा चुके हैं क्वेश्चन पेपर, तो आपने अगर नहीं देखा है तो नीट PYQ बाय शुभम जी के ट्रिक आप लोग जो है सर्च जरूर कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे काफी सारे क्वेश्चन पेपर। एंड देखिए, अगर आपको बायोलॉजी MCQs की वीडियोस चाहिए, जहाँ से 100% हमारे वीडियोस में से 20 से 25 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी MCQs बाय शुभम जी के ट्रिक। आप ये जाओ सर्च जरूर कीजिएगा, आपको काफ़ी सारे वीडियोस जाओ मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बातचीत करते हैं जो बायोलॉजी के हमारे पास क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के द्वारा जाओ ऑक्सीजन जाओ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जा राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ध्यान देना है, डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जहाँ पे पहले सिंगैमी भी होगा, यानी कि एक मेल गैमेट जाओ फ्यूज करेगा, ठीक है, फ्यूजन करेगा, और दूसरा जो आपका यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, यहाँ पे सिंगामी एंड ट्रिपल फ्यूजन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फोर ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्किन पर है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है कि मोथ जो स्पीशीज है उसका किस प्लांट के साथ रिलेशनशिप होता है, तो यूका के साथ होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शोज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद अ स्पीशीज ऑफ मोथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर, ठीक है, तो मोथ का जो यूका के साथ यहाँ पे संबंध होता है, तो यहाँ पे पी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, अगर आपने पोलन ग्रेन्स को जाओ लंबे समय तक लिक्विड नाइट्रोजन में जाओ स्टोर करना है, तो आपको कितना टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, तो -196 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए। ये क्वेश्चन आपको हर साल आता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आपको टर्गर प्रेशर को मेंटेन करना है सेल्स के अंदर, तो आपको कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा, यहाँ पे पोटेशियम रहेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, देखिए NAD पॉजिटिव का जाओ सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल क्या है, सिंपल सी बात याद रखनी है, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन कैरियर है, क्या ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, आयरन जाओ प्लांट्स के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है किस फॉर्म में, तो यहाँ पे पेरिक के फॉर्म में यहाँ पे जाओ आयरन अब्सॉर्ब किया जाता है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पे 98 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज द वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट, अगर ह्यूमन लिम्फोसाइट के अंदर डीएनए फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस करना है तो कौन सा वेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, क्या चीज यूज की जाती है, यहाँ पे रेट्रोवायरस, सी ऑप्शन का राइट आंसर है इसका। अब देखिए अगर कोई कंपनी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी जाओ या ऑर्गेनाइजेशन जाओ किसी दूसरी कंट्री के विदाउट ऑथराइजेशन के बाद कोई बायो रिसोर्स को यूज करती है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, तो बायो पायरेसी बोलते हैं उसको, चुराना बोलते हैं उसको, बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को आपने जाओ उनके अंदर कुछ सेफ्टी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करनी है आपने, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में रिस्पॉन्सिबल होती है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए जाओ अगर पब्लिक यूज में लाना है उसको, तो आप कौन सी वो रिस्पॉन्सिबल है कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब देखिए PCR का जो करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो डीनेचुरेशन एनिलिंग और एक्सटेंशन यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है, इसमें से करेक्ट चूज करना है। TH Morgan आपका जाओ ध्यान देना है आपको कि ये किस चीज से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका लिंकेज से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, लिंकेज से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैक क्रॉस वगैरह, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस वगैरह हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, राइबोसाइम, राइबोसाइम एक न्यूक्लिक एसिड है, सी ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट है। देखिए जीजे मेंडल आपका जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये कराता है। अब आगे देखिए, अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय अ फॉरेन कंपनी, दो सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू, ठीक है,
देखिए कोई एक न्यू वैरायटी है जो कि जिसका पेटेंट एक फॉरेन कंपनी ने लिया है, उसको इंडिया में जाओ इंडिया में जाओ प्रेजेंट किया गया लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो किससे रिलेटेड है? तो याद रखना है वो बासमती से रिलेटेड है। ये ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे है, देखिए इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है? ध्यान दो कि जो स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलील्स वहां पे नहीं होता, तो ये आपका जाओ रॉन्गली मैच यहाँ पे देखने को मिल रहा था। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। टी एच मॉर्गन ने लिंकेज दी थी, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कोडोमिनेंस होता है और एक्सो टाइप का जो डिटरमिनेशन है वो ग्रास ऑपर में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर था कि वही गलत है यहाँ पे। अब देखिए सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आपको, ठीक है। जो पनेट स्क्वेयर है उसको ब्रिटिश साइंटिस्ट ने जाओ यहाँ पे डेवलप किया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही यहाँ पे जाओ बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है सेमी कंजर्वेटिव रिएप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, वो इसमें शो किया गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है सेमी कंजर्वेटिव रिएप्लिकेशन डीएनए का, वो शो हुआ पहली बार बैक्टीरियम में, बी ऑप्शन द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। कौन सा ऐसा प्लांट है जो एक बार फ्लावरिंग करता है अपनी लाइफ टाइम में? तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, बैम्बू स्पीशीज, सी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे। अब देखिए ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो ऑफसेट होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, तो ध्यान देना है आपको ऑफसेट होता है आपका माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, बी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस स्क्रीन पर है, आपको यहाँ पे कलेक्ट जो है मैच आपको यहाँ पे सही बताना है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं पाइसम सेटिवम, क्या बोलते हैं इसको, पी बोलते हैं, तो पी के ऊपर किसने स्टडी किया था? यहाँ पे जी जे मेंडल ने यहाँ पे जाओ स्टडी किया था, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। टोबैको मोजेक वायरस, ये आपका अल्फ्रेड हर्शे एंड चेज यहाँ पे जाओ इसके ऊपर स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। और एलेक्स जेफरीज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर ये स्टडी जो बिल्कुल नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो फ्रैंकोस जैकोब एंड जैक्स मोनन है वो लैकोपरन के ऊपर यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट है, आपको यहाँ पे आता है क्वेश्चन। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स, ठीक है। 110 क्वेश्चन का मतलब समझिए, कौन यहाँ पे प्रूव करता है जो पोलन्स है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है एज अ फॉसिल, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 110 का यहाँ पे डी ऑप्शन स्पोरोपोलरिन, एक्साइन और इंटाइन नामक की इसमें जाओ दो लेयर्स होती है। नेटलिटी का मतलब क्या होता है, जो बर्थ डेट होता है उसको क्या बोलते हैं, नेटलिटी बोलते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। मॉर्टलिटी रेट किसको बोलते हैं आप, तो डेथ रेट होता है इसको आप मॉर्टलिटी रेट बोलते हैं। अगर आपको इकोलॉजी करनी है तो आप सर्च कर सकते हैं इकोलॉजी बाय शुभम जी केट्रिक, आपको मैंने कंप्लीट इकोलॉजी करवाई हुई है और जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैंने बताए हुए हैं वहां पे, ठीक है। तो इकोलॉजी बाय शुभम जी केट्रिक आप कर सकते हैं, बायोलॉजी एमसीक्यूज बाय शुभम जी केट्रिक आप ये भी सर्च कर सकते हैं, आपको काफी सारी वीडियोज मिल जाएंगी हमारी। आप सर्च कर सकते हैं नीट पीवाईक्यू बाय शुभम जी केट्रिक, आपको काफी सारी हमारी जो वीडियोज जो मिल जाएगी, आप जरूर सर्च कीजिएगा, आपको काफी मदद मिलेगी यहाँ से। और नीट वगैरह में आपको एचपी टेट वगैरह में एचपी टीजीटी वगैरह में पीजीटी वगैरह में आपको यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नेटलिटी जो रेफर्स टू बर्थ रेट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है, 16 सितंबर को आपका जब वर्ल्ड ओजोन डे होता है, ये आपको ए ऑप्शन जब बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है, कौन सा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, याद रखना है ओजोन इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नीक क्या होता है, क्या होता है नीक, ध्यान देना है जो फंक्शन रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म जहां पे वो रहता है, ठीक है, कहीं पे एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहता है, ठीक है, जहां पे भी रहता है तो वहां पे वो कुछ ना कुछ फंक्शन रोल प्ले करता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, नीक बोलते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डाटा, अगर सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम है, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम है, प्राइमरी प्रोड्यूसर आपके 10 ग्राम है, तो किस तरह का इकोलॉजिकल पिरामिड आएगा, तो ध्यान देना है आपको इन्वर्टेड यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास आएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पे। अब देखें
इन स्ट्रेटोस्फियर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन होती है तो और कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो ओजोन को वहां पे डिग्रेड यहाँ पे करेगा और वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज करेगा। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, इसका है आपका क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पी ऑप्शन जो राइट आंसर है यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे वो करता है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पर है, द टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर, शुगर के जो कौन से दो फंक्शनल ग्रुप जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हैं, कौन से हैं बताइए जरा इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल, कार्बन भी होता है शुगर में, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ये आपको याद रखना। जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं ना तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, इसमें से कौन प्रोकैरियोट नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोट में आपका जो मोनरन्स जितने भी हैं वो आपके प्रोकैरियोट आते हैं। तो देखो सैक्रोमाइसिस आपकी जो क्या है ये फंगस है, ये फंगस, फंगस में भी एस्कोमाइसीट्स है, ये फंगस है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन का राइट आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, देखिए जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो आपका पार्टिसिपेट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स को बनाने में, यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। राइबोसोम्स जो होते हैं उसमें भी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले बने, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने, फिर आपको गोल्जी बॉडीज बनती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपकी लिपिड सिंथेसिस हो रही है, और गोल्जी बॉडीज में आपकी जो सेक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का उसमें प्रोडक्ट क्या नहीं है। तो देखो NADPH लाइट रिएक्शन में, ठीक है, NADPH ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, 120 का यहाँ पे सॉरी NADH नहीं है, क्योंकि आपको पता है ATP भी बनता है जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, वहां पे NADPH भी बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी वहां पे बनेगा, यहाँ पे बी ही नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे पी नहीं बनेगा NADH। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए यहाँ पे कौन सा जाओ ट्रू है, क्या ट्रू है यहाँ पे, सिंपल सी बात है यहाँ पे इट इज अ साइट फॉर एक्टिव ट्राइबोसोमल RNA सिंथेसिस की साइट है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, जो स्टोमेटल मूवमेंट है वो किसके द्वारा अफेक्टेड यहाँ पे नहीं होते, तो वो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन की बात द्वारा जाओ अफेक्टेड यहाँ पे नहीं होती है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोग्रस क्रोमोसोम्स बिगिंस, ठीक है, वो स्टेज जहाँ पे जो क्रोमोसोम होमोलोग्रस क्रोमोसोम्स हैं जो पेयरिंग हो रखी है वो यहाँ पे सेपरेट होंगे, तो वो कौन सी स्टेज है यहाँ पे, यहाँ पे वो डाइप्लोटिन स्टेज है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, जो ग्रास लीफ होते हैं उसमें स्टोमेटा कैसे हैं, तो ध्यान देना है उसमें जो स्टोमेटा है वो डम्बेल शेप्ड है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेकेंडरी ज़ाइलम एंड फ्लुइम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो सेकेंडरी ज़ाइलम है और फ्लुइम है डाइकोट स्टेम है में वो प्रोड्यूस किसके द्वारा यहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं आपके वास्कुलर कैम्बियम के थ्रू, बी ऑप्शन राइट आंसर है। न्यूमेटोफोर्स किसमें होते हैं, तो याद रखना है जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो जनरली होते हैं आपके हेलोफाइट्स में, सी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए कैस्पियन स्ट्रिप्स अकरिंग, जो कैस्पियन स्ट्रिप्स है वो किस में है, तो ध्यान देना है कैस्पियन स्ट्रिप्स है एंडोडर्मिस में, डी ऑप्शन राइट आंसर है। प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, किस प्लांट्स में आपके जो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, क्या सेकेंडरी ग्रोथ कम होती है, तो ध्यान देना है वो ग्रासेस होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, स्वीट पोटैटो क्या है मॉडिफाइड, किसका मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो, ध्यान देना है वो है एडवेंटिशियस रूट का, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, देखिए हॉर्स टेल्स आपके जो जिम्नोस्पर्म्स नहीं होते, ये भी गलत है आपका, ठीक है। अब देखें
यहाँ पे क्या सही है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो आपके एनक्लोज्ड नॉट बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, यही सही है यहाँ पे। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्किन पर है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। अब देखिए जो सेल वॉल होती है वो आपकी उसमें फंगस में भी होती है और प्लांटिंग में भी होती है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस ऑफ सेल है ऑल किंगडम्स में, बट एक्सेप्शन है मायोमोनेरा में क्योंकि वहां पे होता ही नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। जो मशरूम है वो बिलोंग करती है बेसिडियोमाइसीट से, ठीक है, ये आपकी जो सही स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए सिडोपोडिया जो कि आपके अमीबा में होते हैं, ठीक है, लोकोमोटरी और फीडिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ए ही स्टेटमेंट यहाँ पे जाओ गलत है, तो यही आपका आंसर यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्किन पर है, देखिए आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन, देखिए जो कैरियोगैमी के बाद मियोसिस हो रही है, मियोसिस के बाद जो कैरियोगैमी हो रही है स्पोर्स जो आपके एक्सोजेनसली प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, तो ध्यान देना है वो होते हैं आपके एगेरिकस में, क्योंकि तो आपको पता है जो फंगस कैरोगैमी वगैरह वो फंगस वगैरह में हो रही है, यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्किन पर है, मैच द फॉलोइंग करना है आपको, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। हर्बेरियम किसको बोलते हैं, जहाँ पे आप हर्बेरियम हर्ब को यहाँ पे रखते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो म्यूजियम है, म्यूजियम में आप ध्यान देना है, इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ए ऑप्शन राइट आंसर है, सॉरी सी का फर्स्ट है, हर्बेरियम जो है उसका सी ऑप्शन जो है सही आंसर है, कि जहाँ पे आप ड्राइड और प्रेस्ड स्पेसिमेंट्स को प्लांट्स के शीट के ऊपर माउंट करते हो, माउंट करते हो, ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो ए का यहाँ पे थर्ड और थर्ड का फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जाओ आपको देखने को मिल रहे हैं ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, इसमें से आपको कोई ना कोई आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है आपका वो है आपका फोर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन जो राइट आंसर होगा यहाँ पे। देखिए फर्स्ट की थर्ड स्टेटमेंट थी जहाँ पे ड्राइड और प्रेस्ड आप प्लांट स्पेसिमेंस को माउंट करते हो शीट पे, हर्बेरियम बोलते हो उसको। अब देखिए सेकंड में की है, तो जो बुकलेट कंटेनिंग जो लिस्ट ऑफ फैक्टर्स होती है, आइडेंटिफिकेशन जिसमें स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जाता है वो की है। म्यूजियम जहाँ पे आप प्रिजर्व करके रखते हो प्लांट्स और एनिमल्स के कलेक्शन को वो म्यूजियम है। कैटलॉग किसको बोलेंगे, ठीक है, आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आपको जो स्पीशीज फाउंड हुई है उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप रखते हो तो उसको कैटलॉग बोलते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, जो विंग्ड पोलन ग्रेन्स है वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, तो ध्यान देना है वो पाइनस में होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए इसमें से कौन से जाओ रॉन्गली मैच्ड है, हिमा कप्स मार्केशिया में होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए आपका जो बायोफ्लेजिलेट जीव स्पोर्स हैं वो ब्राउन एल्गी में है, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आपका क्लोरेला है, लेकिन जो यूनिफ्लेजिलेट आपका गैमेट्स है वो पॉलीसिफोरिया नहीं है। तो यहाँ पे डी सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर था इसका, कि यही जो रॉन्गली मैच्ड है यहाँ पे। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशंस इन अस्थमा एंड एम्फिसेमा रिस्पेक्टिवली, एम्फिसेमा जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, जहाँ पे ब्रोंकियोस में इन्फ्लेशन होगा और जब रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा तो आपका अस्थमा और एम्फिसेमा की जो कंडीशन है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा है, तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्किन पर है, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व जो राइट एट्रिया है और राइट वेंट्रिकल है उनके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, और जो सेमिलिनियर वॉल्व है वो राइट वेंट्रिकुलर और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में यहाँ पे देखने को आपको आपको मिलेगा। तो ए का तीसरा
बी का पहला और सी का दूसरा है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए ना इसके बारे में। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है कौन सा है। टिडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेट रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेट रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, जो टाइडल वॉल्यूम है वो आपकी जनरली कितनी रहती है, 500 से 550 ml। जो आपकी बिल्कुल सही इंस्पिरेट रिजर्व वॉल्यूम है वो आपकी 1100 से 1200 वॉल्यूम के आसपास, और जो एक्सपिरेट रिजर्व वॉल्यूम है वो 2500 से 3000 ml के आसपास, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है आपकी वो 1000 से 1100 ml के आसपास रहती है। तो 138 का जो ऑप्शन है वो आपका, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलत कंफ्यूजन हो गया, एक मिनट, मेरे को यही लग रहा था। जो टिडल वॉल्यूम है 500 से 550 ml, इंस्पिरेट रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml, और एक्सपिरेट रिजर्व वॉल्यूम आपकी जाओ 1100 से 1200 ml, और नहीं एक्सपिरेट रिजर्व वॉल्यूम 1100 से 1000 से 1100 ml, और रेजिडुअल वॉल्यूम आपकी 1100 से 1200 ml। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, एक बार चेक कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो ट्रांसपेरेंट लेंस है ह्यूमन आई में वो किस प्लेस पे आपको देखने को मिलता है, ध्यान देना है वो है आपका लिगामेंट्स अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी। सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, कौन सा एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे याद रखना है एपिनेफ्रिन, सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट इन रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में कौन सा जो हार्मोन जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो ध्यान देना है कि वो है आपका एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड, यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड, कौन सा यहाँ पे जो इनकरेक्टली पेयर्ड है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जो लिम्बिक सिस्टम है वो आपका इनकरेक्ट यहाँ पे पेयर्ड है, बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, प्रोडक्शन करेगा, रिलीजिंग करेगा हार्मोन्स की, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड हंगर एंड थ्रस्ट को ये कंट्रोल करेगा। मेडुलो ऑब्लोंगेटा जाओ जो कार्डियोवास्कुलर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको यहाँ पे कंट्रोल करेगा, रिस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा। जो कॉर्पस कैलोसम है वो आपका जो बैंड ऑफ फाइबर जो कनेक्ट रहते हैं राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर से उसको यहाँ पे देखता है। देखिए लिम्बिक सिस्टम यहाँ पे जाओ गलत है, बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, इनकरेक्ट ऑप्शन वही था। अब देखिए यहाँ पे द एमनियन ऑफ मैमलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो मैमलियन एम्ब्रियो का एमनियन है वो कहाँ से डिराइव किया गया है। तो ध्यान देना है वो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से, सी ऑप्शन जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, ठीक है, तो प्लेसेंटा के द्वारा जाओ हार्मोन जो सिक्रेट किए जाए ताकि प्रेगनेंसी को यहाँ पे मेंटेन किया जा सके वो कौन से हैं। तो ध्यान देना है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द डिफरेंट बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेशन इज, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड होंगे और स्पर्मिएशन में जो स्पर्मेटोजोआ है वो सर्टिलाइज सेल से यहाँ पे जाओ रिलीज करेंगे, यहाँ पे सेमिनिफेरस टिपल्स में, यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव है सहेली, क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है सहेली। तो ध्यान देना है आपको कि ब्लॉक करता है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को यूटेरस के अंदर और एग्स को यहाँ पे इम्प्लांट होने से बचाता है, तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआंसिन, जो सीलिएट्स हैं वो डिफर करते हैं ऑल अदर प्रोटोजोआन से, क्यों डिफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो टाइप्स के न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन जो राइट आंसर है। देखिए आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स करेक्टराइज बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए एम्फीबियंस में आपको गिजार्ड वगैरह देखने को आपको मिलेगा, क्रॉप और गिजार्ड देखने को मिलेगा,
यहाँ पे सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे आई थिंक 148 का। एक मिनट, आपका आइडेंटिफाई वर्टिब्रेट ग्रुप, वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट पूछा गया यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिए वर्टिब्रेट, तो यहाँ पे एव्स है, यहाँ पे एव्स ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट है। यहाँ पे क्रॉप और गिदार देखने को मिलता है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच। Which of the following features is used to identify male cockroach from a female cockroach? आप कैसे मेल और फीमेल कॉकरोच को यहाँ पे आइडेंटिफाई यहाँ पे करोगे? तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल्स, बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ होम्योथर्म, इनमें से होम्योथर्म जो कौन सा नहीं है? तो ध्यान देना है आपको कि जो आपका चिलोन इज नॉट अ होम्योथर्म, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग द एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस कौन नहीं करता? तो याद रखना है आपको अर्थवर्म मेटामॉर्फोसिस नहीं करता, ये ऑप्शन राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, ओशियंस में किसे चीफ प्रोड्यूसर्स बोला गया है? आई थिंक डायटम्स को, 152 का बी, ठीक है बी ऑप्शन राइट आंसर है। डाइसोफाइट्स में आते हैं ये, प्रोड्यूसर्स हैं आपके चीफ प्रोड्यूसर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर प्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स। देखिए कौन सा जाओ मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक्स में जाओ प्रोडक्शन में कौन सा पॉपुलेशन इंटरेक्शन यहाँ पे जाओ काफी मदद करता है? तो ध्यान देना है वो है अमेंसरिज्म, ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्सिटो कंजर्वेशन एक्सेप्ट, देखिए कौन सा इसमें एक्सिटो कंजर्वेशन में नहीं है? तो ध्यान देना है आपको सेक्रेट ग्रोव्स, बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी आपके जाओ बॉटनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी, सीड बैंक्स, आपके जाओ ये एक्सिटो कंजर्वेशन में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट यहाँ पे जाओ मैच करना है, यूट्रोफिकेशन, सैनिटरी लैंडफिल, स्नो ब्लाइंडनेस, झूम कल्टिवेशन। तो देखिए झूम कल्टिवेशन से तो डिफोरेस्टेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपको टी भी गया, टी भी गया, ठीक है ए और बी में से यहाँ पे आंसर होगा आपका, और चूज करिए और क्या लगता है आपको? देखिए यूट्रोफिकेशन न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के लिए होता है, यहाँ पे बी भी गया, यहाँ पे ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। सैनिटरी लैंडफिल की अगर बात करते हैं तो वेस्ट डिस्पोजल के लिए होता है, और स्नो ब्लाइंडनेस की अगर बात करते हैं तो यूवी रेडिएशन की बात होती है, यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन है कंट्री की तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपके ज़्यादा होंगे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स से, सी ऑप्शन राइट आंसर। जैसे कि इंडिया की अभी हालत है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन है कंट्री की। अब देखिए विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू मेक ऑब्टेन ड्रग स्मैक, तो सिंपल सी बात है स्मैक के लिए आपको जाओ कौन सा पार्ट चाहिए पॉपी प्लांट का? लेटेक्स, कौन सा चाहिए? लेटेक्स, बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरन, ओपेरन इनमें से कौन सा ओपेरन का पार्ट नहीं है? ठीक है तीन को छोड़ के ध्यान देना है वो है आपका एनहेंसर, ये आपका ओपेरन का पार्ट नहीं है, स्ट्रक्चरल जीन्स ऑपरेटर एंड प्रोमोटर आपके पार्ट रहते हैं। नेक्स्ट कुछ आपकी स्किन पर है, अ वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम्स, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, ठीक है अब सिंपल सी बात है एक वुमेन के पास जो एक्स लिंक्ड कंडीशन है उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है वो किसके द्वारा इनहेरिट यहाँ पे की जा सकती है? तो सन्स के द्वारा भी इनहेरिट वो की जा सकती है या बोथ के द्वारा, वैसे तो जो वुमेन को अगर प्रॉब्लम हुई है तो वो आगे सन को यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है, यहाँ पे बोथ सन एंड डॉटर से आपका आंसर आएगा, क्योंकि जो आगे जनरेशन आएगी उसकी उसमें आपको वो वुमेन्स को डॉटर्स को भी आपकी हो सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवाइस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, ह्यूगो डिवाइस के अकॉर्डिंग जो मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का वो कैसा है? वो सॉल्टेशन है, बी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए जी जी टी ए टी
सी 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 जी सी ए टी इज अ सिक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, बट विल बी कोरस्पॉन्डिंग सिक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। ठीक है, ये सिक्वेंस दे रखी है आपको कोडिंग स्टैंडर्ड जीन का, तो इसकी जो जब आप ट्रांसक्राइब करोगे एमआरएनए में तो आपका जो क्या सिक्वेंस आएगी यहाँ पे, तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पे आपकी सिक्वेंस आएगी सी ऑप्शन, ए जी जी यू ए यू यू ए यू सी जी सी ए यू, यहाँ पे सी ऑप्शन जब बिल्कुल राइट आंसर आएगा यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको करेक्ट मैच यहाँ पे करना है, प्रोलिफरेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज। तो सिंपल सी बात है, जो 162 का आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। ठीक है, जो प्रोलिफरेटरी फेज है उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं, जो आपका सिक्रेटरी फेज है उसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं, और मेंस्ट्रुएशन फेज आपके जाओ जिसमें ब्रेकडाउन होगा एंडोमेट्रियल का, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करने हैं, ग्लाइकोसुजा, गाउट, रिनल कैलकुलाई, ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो आपका रिनल कैलकुलाई है वो सिंपल सी बात है मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट विद इन द किडनी, सिंपल सी बात है जो ऑक्सलेट्स बन रहे हैं आगे किडनी में, पथरी जो हो रही है। तो देखो सी का तो यहाँ पे दूसरा हो गया, सी का यहाँ पे दूसरा होगा, तो यहाँ पे डी ही होगा इसका आंसर, डी ग्लाइकोसूरिया, इसका मतलब है कि यूरिन में आपका जो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज है। देखिए डाउट क्या होता है, जब आपका यूरिक एसिड जो जॉइंट्स में जम जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, और जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, जो आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है ग्लोमेरुलाई में, वो आपका ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मैच द कॉलम करना है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन। स्टोरेज ऑफ यूरिन कहाँ हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में हो रही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन का किसके थ्रू हो रही है, आपका यूरेटर के थ्रू हो रही है। और देखिए ठीक है, देखिए यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तो डी का ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, और जो सी का ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, अब देखिए आपका डी भी गया और ए भी गया, ए भी गया। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसमें हो रही है, देखिए जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है आपकी वो हो रही है आपकी 164 का, ध्यान देंगे कि जो वो हो रही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपकी जो हो रही है वो माल्फिजन कॉर्पसल कॉर्पसल में भी हो रही है, जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है वहां पे भी तो हो रही है ना, माल्फिजन क्या कॉर्पसल भी हो रही है वो, और जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है वो हो रही है आपकी एनलेस ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस, देखिए कौन से गैस्ट्रिक सेल्स है जो कि इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं और एरिथ्रोपोइसिस में, याद रखना है पेरेटल सेल्स, डी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। देखिए जो फाइब्रिनोजन है वो ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ग्लोबुलिन है वो किस में काम करता है, तो याद रखना है आपको कि वो करेगा आपका डिफेंस मैकेनिज्म में, एल्बुमिन आपका ओस्मोटिक बैलेंस में, यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यस। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी ऑर्डर, तो एम्फिसिमा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी ऑर्डर है जनरली आपको, एक मिनट, ये तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो जहां तक आइडिया है वो 167 का सी है, बी है, क्योंकि तो ये आपका जाओ तो माइनिंग वर्कर्स होते हैं उनको ये देखने को मिलती है, सिलिकोसिस इसका आंसर है, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। अब देखिए कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केल्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज देखिए स्केल्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों रहता है, सिंपल सी बात है, जो बाइंड करता है ट्रोपोनिन से, ठीक है, ताकि ये एक्टिव साइट्स की जो मास्किंग मास्किंग है वो आपकी रिमूव कर सके।
एक्टिन पर, मायोसिन के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्किन पर है, निजल बॉडीज आर मेनली कंपोज ऑफ, जो निजल बॉडीज है वो किसके कंपोज है, ध्यान देना है वो है आपकी फ्री राइबोसोम्स एंड आर रफ जो फ्री राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, डी ऑप्शन राइट आंसर है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट यहाँ पे है, ध्यान देना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यही आपकी इनकरेक्ट है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज अ लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद एनएडीपी, डी दैट कैन पिक हाइड्रोजन एटम, यस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, साइटोसोल में आपकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, साइटोप्लाज्म वगैरह में तो होती है। ठीक है, देखिए जो टीसीए साइकिल है उसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रेजेंट होते हैं, ये भी सही है आपकी स्टेटमेंट, यहाँ पे डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्किन पर है, आपको इनमें से इनकरेक्ट मैच बताना है आपको। देखिए इनकरेक्ट मैच में अगर देखा जाए तो आपका जाओ ऑलिटीन क्रोमोसोम्स, ये आपका इनकरेक्ट मैच है यहाँ पे। ठीक है, एलोसोम्स आपके सेक्स क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आपके एल क्रोमोसोम्स को बोलते हैं, लैंप ब्रश आपके डाइप्लोटीन बाइवलेंस को बोलते हैं, तो आपका जो पोलिटीन जो क्रोमोसोम्स है उसको हम साइड्स ऑफ एम्फीबियंस नहीं बोलते, ये ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको यहाँ पे बताना है ह्यूमन डेंटेशन की आप डेफिनेशन आप डिस्क्राइब करना अच्छे से। ठीक है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, जो करेक्टली यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है वो आपका थीकोडोंट डाइप्लोडोंट और हेटरोडोंट, बी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए कौन से जाओ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाओ नहीं होती है इवेंट, ध्यान देना है वो आपकी फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस यहाँ पे नहीं होती, वो जनरली आपको देखने को मिलेगी ग्लाइकोलॉजी बॉडीज में। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, क्लीवेज ऑफ सिंगल सिग्नल पेप्टाइड, आपका सब कुछ यहाँ पे होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। मैनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विद अ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम्स आर टर्म्ड एज, देखिए बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं वो आपके जो एसोसिएट करते हैं सिंगल एमआरएनए के साथ ताकि वो मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे बना सके। ठीक है, देखिए उन स्ट्रिंग्स की क्या बोलेंगे आप राइबोसोम्स की, तो उनको बोलेंगे आप पॉलीसोम्स, सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 175 है, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, किस डिजीज में मॉस्किटो जाओ यहाँ पे पैथोजन को यहाँ पे जाओ ट्रांसफर कर रहा है और वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कर रहा है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, ध्यान देना है आपको कि वो है आपका एलिफेंटियसिस, सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। जनरली बुचेरिया ब्रेनकिफोक्राई की वजह से होता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, इनमें से कौन सा जो है ऑटो इम्यून डिजीज यहाँ पे नहीं है, ध्यान देना है जो आपका अल्जाइमर है वो आपका ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, तो ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्किन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है जो कि इनकरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन, ये आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ऑप्शन जब बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्किन पर है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, देखिए जो मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, तो उससे जाओ न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रही है, क्या चीज वहां पे अमाउंट जाओ इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे विटामिन B12 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, याद रखना है, ये ऑप्शन राइट आंसर था। देखिए द सिमिलरिटीज ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए जहाँ पे बोन स्ट्रक्चर में फोर लिम्स में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलते हैं वर्टिब्रेट्स में, वो किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ध्यान देना है वो है आपका होमोलॉजी का, सी ऑप्शन राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, देखिए कौन सा जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस को यहाँ पे मेंटेन करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देना है वो है आपका डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील, यहाँ पे बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपको करवाना था मैंने क्वेश्चन पेपर, देखिए
आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए आप सर्च कीजिएगा सबसे पहले तो बायोलॉजी एमसीक्यूज बाय शुभम जीके ट्रिक, आप ये सर्च कीजिएगा जरूर, तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप नीट PYQ बाय शुभम जीके ट्रिक आप ये भी जब सर्च कीजिएगा आपको काफ़ी सारे जो वीडियोस मिल जाएंगे हमारे, ठीक है। आप नीट के जो क्वेश्चंस हैं आपको वो चाहिए, जब बायोलॉजी MCQs आए उसके वो चाहिए, तो आप जरूर सर्च कीजिएगा उसको, आपको काफ़ी सारे वीडियोज हमारे जब मिलेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।